हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में हम सीपीटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जो सीपीटी होने वाला शेड्यूल्ड है नेक्स्ट मंथ, उसकी कुछ चीज़ें देखेंगे। एक तो जो आपका टेस्ट होने वाला है यानी टाइपिंग, उसमें इस टाइप का एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको। 3 से 4 पैराग्राफ हो सकते हैं, छोटे छोटे, इनको आपको टाइप करना होगा। स्क्रीन पर ही आपको पैसेज डिस्प्ले होगा, वहीं पर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो इस बार जैसे लास्ट ईयर था, काफ़ी इजी होने वाला है, आपको देखकर सेम टाइप करना है। इस टाइप से वर्ड्स भी लिखे रह सकते हैं, काउंटिंग कितने आपके नंबर्स हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना। दूसरा जो इसमें हम देखने वाले हैं वो है आपका इस टाइप की जो आपको शीट देंगे, जैसे एक्सेल की, जनरली 3 साल से, लास्ट 3 ईयर्स से सेम चीज़ रिपीट हो रही है। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना। आपकी ऐसी 5 रो होती है, ABCDE, ये आपको बनानी होती है। इंस्ट्रक्शन सारी दे रखी होती है आपको, जो आपको शीट मिलती है उसमें शीट के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में कैसे आपको करना होता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको एक शीट ऐसे बना लेनी होती है, पहले पूरा एग्जैक्ट ये फिगर्स वगैरह डाल लेनी होती है। और ये ध्यान देना है आपको, जैसा ही लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट ऐसा ही आपका रेप्लिकेट होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर 1st में, 2nd में 16-17, 3rd में ये इन करोड़, ठीक है। ऐसे जैसे बैलेंस शीट लिखी हुई है, इसका जो फॉन्ट है और जो सेंट्री अलाइंड है और मर्ज करके, ऐसे ही आपको मर्ज सेंटर अलाइन करना होता है। जो भी फॉन्ट का साइज दिया हुआ है वो 12 वो सब में होना चाहिए। हेडिंग का जो है वो 14 वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और कैलकुलेशन कुछ भी मैनुअली नहीं करनी है। यानी जो ये लगाने हैं आपको, ABS का एक फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर भी एक परसेंटेज का, ठीक है। तो उससे आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव करना है, हेडर में हेडर डालना है, उसमें फाइल पाथ डालना है आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, और आपको टाइम एंड डेट डालनी है राइट हैंड कॉर्नर पर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही PPT में करना है, तो PPT में आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत ही ईजी है। आपको सेम रेप्लीकेट करनी होती है, ये हेडिंग आपने डालनी है एक, उसके बाद आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए, टाइटल डालो, सबटाइटल डालो, जैसे ये एक बॉक्स बना लो, उसके बाद फॉन्ट साइज ये रख दो, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मेन है ये फुटर, यहाँ गलतियाँ कर देते हैं कुछ बच्चे, तो फुटर पे ध्यान देना। इंसर्ट फुटर करके रोल नंबर, नाम और अपनी डेट इस फॉर्मेट में आपको सेट करनी है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल में, वो ये है। इसमें क्या है आपका, इस टाइप का होगा, आपको एक वर्कबुक एक्सेल की ओपन करनी है, पेपर साइज A4 ओरिएंटेशन कर देनी है। ओरिएंटेशन आपको कहाँ से करनी है, पेज लेआउट, यहाँ पर ओरिएंटेशन रहेगी, यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देना है आपको, साइज यहाँ रहेगा, यहाँ से A4 कर देना है आपको साइज को, ठीक है। उसके बाद मार्जिन भी इसके साइड में, यहाँ से मार्जिन को नॉर्मल कर देना है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब फॉन्ट साइज ऑफ सेल 14 जो है उसको 14 कर देना है, फॉन्ट साइज जो है उसको, तो 14 हम सबको सेलेक्ट करके यहाँ देख लेंगे, ये 14 है, ठीक है। उसके बाद एरियल कर देंगे, ये एरियल है, ठीक है। अब रो 4 के जो सेल्स हैं यानी ये, इनको आपको 16 कर देना है, 16 कर दिए, फॉन्ट इसका एरियल और बोल्ड कर देना है यहाँ से, ये हो गया। सेंटर अलाइंड कर देना है, मर्ज एंड सेंटर अलाइंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको, और अंडरलाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट, मेक द टाइटल ऑफ कैटेगरी एंड ईयर, जो आपका टाइटल एंड कैटेगरी ये है, इसको आपको अलाइनमेंट देनी है सेंटर, और फिगर्स को जो है वो आपको लेफ्ट राइट अलाइंड देना है। तो सेंटर यहाँ से हो जाता है और राइट अलाइंड यहाँ से, ये आपको कर देना है। फिर बैकग्राउंड कलर टोटल और एवरेज का जो शीट में दे रखा है, ये इस टाइप का ग्रे कर देंगे। कलर को आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ जाना है, उसमें से कलर उठा लेना है, जैसे ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड जो बॉर्डर है उसको कर देना है आपको, तो बॉर्डर जहाँ जहाँ बॉर्डर है उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर आपको अप्लाई कर देना है। तो बहुत सिंपल है, एडजस्ट हाई वेट कर लेना है अपने हिसाब से, और वर्कबुक को आपको सेव कर देना है, यहाँ जाकर आपको सेव कर देना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूले की, जहाँ पर आपको जाना है इजिकल टू सम, अगर टोटल निकालना है सम जहाँ से जहाँ तक का है, B6 ये डाल देना है आपको, B ये कॉलम 6th रो कहाँ तक का, E6 रो, इस टाइप से आपको फॉर्मूला करना है। फिर इसको ड्रैग करना है यहाँ से पकड़ के, तो ये सारे में ऐसे हो जाएगा सेम फॉर्मूला रेप्लीकेट। अब चलते हैं दूसरी वर्कबुक पर, वो भी दिखा देता हूँ आपको
जो दूसरे टाइप की एक वर्कबुक है जिसमें आपको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जैसा अभी पूछा जा रहा है। तो क्या करना है आपको, पहले सेम बना लेना है, उसके बाद पॉपुलेशन या जो भी डाटा आपको दिया है उसको रखना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना D7 माइनस E7, ये तो पॉपुलेशन डिक्रीज आ गया, फिर परसेंटेज में इसके नीचे C7 ये आपने कर दिया और परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, ठीक है, तो अपने आप परसेंटेज आ जाएगा। अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो आपको एब्सोल्यूट फंक्शन ABS का यूज़ करना होगा, जैसे आपने ये निकाला है इसके ऊपर ही अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो इसको सेलेक्ट कर लेना और ABS इसके आगे लगा देना इज इक्वल टू ABS, फिर ये सेलेक्ट कर लेना, करके दिखा देता हूँ। ये हटाया मैंने यहाँ से पूरा, ठीक है, उसके बाद टाइप किया ABS ब्रैकेट ओपन और मैं यहाँ से ये चीज़ पूरी लिख लूँगा, ये वाला, ये भी आप कर सकते हो ऐसे ब्रैकेट क्लोज, तो सेम चीज़ आ जाएगी। देखिए अब क्या है, इसको अगर मैं ड्रैग कर दूंगा तो सारे में यही चले जाएगा और ABS में साइन हट जाता है। आप गूगल भी कर सकते हो चीज़, एब्सोल्यूट का मतलब ही यही है, तो आपको इस टाइप से करके आना है। लास्ट ईयर ऐसा करने से 170 कुछ मार्क्स थे दोनों मॉड्यूल में मेरे, तो अगर किसी भी मॉड्यूल में कम रहे होंगे, एक मॉड्यूल में तो ज़रूर 80 क्रॉस करे होंगे, तो छोटे मोटे आपके जो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं वो फॉन्ट या इस टाइप से आपका एक कॉलम में नहीं आया इंस्ट्रक्शन है या ये आगे पीछे देख रहे हो गया, ये थोड़े बहुत काट सकते हैं आपके मार्क्स, या कहीं पर आपकी कोई मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की या कुछ चीज़ छूट गई है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक।